जेपी महासचिव राम माथव ने कहा कि अमरनाथ हमले को सुरक्षा में चूक नहीं मानना चाहिए। सर, बुरहान वानी का एक साल होने वाला था, माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ करेंगे, इस तरह के इनपुट आ रहे थे, स्पेसिफिक इनपुट नहीं थी, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इनपुट थे। एक अनशेड्यूल बस निकल आता है, शेड्यूल जो बस थे उनको सुरक्षा दी गई थी, लेकिन एक चला था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और चौक चौबंद की जरूरत थी, कहीं थोड़ी बहुत तो चूक हुई है मानते। हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था इतना तगड़ा था, इसी के चलते बुरहान वानी का तो तथाकथित वार्षिकी के नाम पर जो वैली में घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे आतंकी, वो नहीं कर पाए। उसी डेस्परेशन में आकर इनोसेंट यात्रियों पर अटैक किए थे। इसको कोई सिक्योरिटी का चूक, इनका चूक, उनका चूक नहीं मानना चाहिए। ये आतंकवादियों का जो निर्मम या क्रूर व्यवहार है, उसी का परिचय के रूप में देखना चाहिए। आखिरी सवाल सर, आगे यात्रा जारी रहेगी, किस तरह की व्यवस्था करेंगे? और गुजरात की घटना है वो, जहाँ विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि विपक्षी दल भी इसको मौके का फायदा उठा सकते हैं कि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में आपकी ही सरकार। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से यथावत चले, यही हमारा प्रयास रहेगा। आज भी 3000 लोगों की जत्था यात्रा के लिए निकली थी, यात्रियों में खूब उत्साह है। यात्रियों की सुरक्षा का और तगड़ा इंतजाम करने के लिए पूरा व्यवस्था की जा रही है। मैं मानता हूं कि इसमें अभी तक देश एक व्यक्ति के रूप में खड़ा होकर इसकी निंदा कर रही है, इसमें और किसी प्रकार की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।